फाइटर प्लेन, और मैं हूँ फिलहाल इस टाइम गुजरात जामनगर, और सोच रहे होंगे कैसे होगा, इंस्टाग्राम पे होगा तो ज़रूर पता होगा। वैसे कल हमने बहुत ज़्यादा ड्राइव की थी, 821 किलोमीटर मैंने की थी और 360 किलोमीटर तरुण ने की थी, तो ड्राइविंग इतनी ज़्यादा थी तो व्लॉग तो पॉसिबल नहीं था। भगाते गए 18 घंटे गाड़ी चलाई हमने, 16 घंटे कंटिन्यू चलाई है, 18 कितने घंटे पहुँच गए थे वहाँ, 18 घंटे में पहुँच गए थे, 2.5 घंटे ऐसे ही घूमे हैं वैसे। और फिलहाल हम तरुण की सिस्टर के घर, तो अब हम जाएंगे बाइक ठीक कराने और शाम को घूमने जाएंगे समुंदर किनारे। फिलहाल बाइक में देखते हैं क्या क्या कमी है क्या क्या नहीं है, और प्रॉपर ठीक कराने, उसके बाद चलना है कहाँ वो अगले अगले लोगों में बताएंगे। ये बैठा तरुण, और एक ही बाइक होगी और बंदे होंगे दो व्लॉगर, तो बांट बांट के बाइक चलेंगे। ओ आलसी चार्ली, बाय, आता हूँ मैं, ठीक है, लव यू। सो ये है हमारी लॉरी, उल्टे गियरों की स्टैंडर्ड, मज़ा आएगा। कल चलाई थी मैंने 4 गियर हैं और अच्छा मज़ा आया चला के। चलिए भाई, उल्टे गियरों का राज। इसमें लगते हैं, इसके लगते हैं एक ऊपर बाकी नीचे, कड़े ये साइड मिरर नहीं है भाई साहब इसके, साइड मिरर नहीं है भाई, फिर कैसे चलेगा काम, राइट है तरुण? एक दिक्कत होएगी, लोग हमें घूर घूर के देखेंगे एलियन की तरह। यहाँ पे कोई हेलमेट नहीं लगा रहा भाई, कॉल मैंने हेलमेट नहीं देखा किसी के, मतलब एक हेलमेट ढूंढ रहा था मैं कि जैसे भगवान मिल जाए ना ऐसे हेलमेट वाला, हेलमेट नहीं मिला किसी के सिर पे। बड़ा मस्त सा सिस्टम होएगा ये तो। फिलहाल मुझे उल्टे गियरों की बाइक की आदत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सीखने में। सीखने में क्या मतलब, आदत नहीं है ना उल्टे गियरों की। तो अभी हम जा रहे हैं इसकी वॉशिंग वगैरह कराने, चेकअप कराने, ताकि हमारा बाइक साथ दे सके लॉन्ग रूट पे। फिलहाल इसके ट्यूब वाले टायर है जिसकी वजह से मैं, मज़ा नहीं आएगा मेरे को, डर लगेगा। बाइक पूरी चमक चुकी है, बस पोल्यूशन करवाना है इसका, और नंबर नहीं लगे हुए हैं तो नंबर भी लगवाने हैं। चलो अब वो काम करवाते हैं। हमारी व्लॉगिंग हो रही है, ऊपर से हैंडल दिख रहा है नहीं दिख रहा, इस टकले के, ये टकला चला रहा है, मतलब बाल है अभी टकला है। सस्पेंशन अच्छा है पीछे भी, देखते हैं। हमने जर्नी करनी है इस पे वन साइड 350-400 किलोमीटर, तो देखते हैं ठुकाई कैसी रहती है इस पे पीछे बैठ के। फिलहाल इतनी सी दूरी में तो पता नहीं कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा पीछे। पहुंच गए, काफ़ी टाइम बाद पहुंचे, बिकॉज ये बंदा था नहीं अवेलेबल, तो अब नंबर प्लेट लिखवाएंगे और फिर चलेंगे बीच, सॉरी बीच तो नहीं है लेकिन समुंदर किनारे चलेंगे।
भाई साहब सुबह भी आए थे और अब भी दोबारा आए हैं ये भाई साहब। करम लगाई नहीं रहे नंबर प्लेट, क्या कर रहे हो भाई साहब? आ जाओ भाई। और कह रहे हैं टू स्टार आठ में बोलो गुजरात का। अरे भाई इस बंदे ने मतलब कह रहा है कि मैं अगर नंबर लिखवा रहा हूँ तो भी चलान कटेगा, और ये एक हेलमेट नहीं लगा रहे यहाँ पे कोई भी। और यहाँ पे कैप्टन जैक स्पैरो का शिप भी पड़ा है भाई। कैप्टन जैक स्पैरो तेरा शिप यहाँ है इस बंदे के पास, इससे खोस लियो ले जाके। मैंने कौन मेरा कैसे खोसेगा? यही अब देखो इसकी शक्ल, यही बंदा है सल्लू भैया। ये सल्लू भैया अभी नई नई सूत्रों से पता लगा कि ये बंदा झूठा भी है। तू सितार वाला क्या? मेरा बैंड बजाएगा क्या तू? हां बैंड बन गया, बैंड बजाएगा क्या? लो भाई नंबर प्लेट लग गई और अब जाना है पोल्यूशन करवाने। पीयूसी पोल्यूशन, ये रहा। इसमें यहाँ पे गुजरात में पेट्रोल पंप पे नहीं होता, ऐसे सेंटर होते हैं पोल्यूशन के। लो भाई 6 महीने का पोल्यूशन हो गया और यहाँ पे अभी रूल ज़्यादा स्टिकनेस वाले लगे नहीं है। कब से लगेंगे रूल? कब से लगेंगे? हेलमेट नहीं लगा रहे हैं लोग, कब से लगेंगे? ये लोग हेलमेट नहीं लगा रहे ना, पंद्रह के बाद है। 15 तक छुट्टी है इनकी है। 31st है। ए मोटा भाई गिराएगा हमको। ये रहा डीजल वाला मोटरसाइकिल और जुगाड़ करके 3 टहियों का टेथन सा बना रखा है और लोडिंग करते हैं इस पे। बहुत सारे देखे मैंने। मैं तो बोल रहा था तरुण को इसी को ले लेते हैं, इस आरईसी में चलेंगे अपने बैग वोग लगा के, मजा आ जाएगा। बोला 1.5 लाख का पड़ा, मैं ठीक है ट्रेन में ही गए हमारे तो। तो बाइक पूरी रेडी हो चुकी है, कल हमें लॉन्ग राइड पे निकलना है तो दोनों इसी पे जाएंगे, वापस यहीं आएंगे। और इसलिए रेडी कर रहे थे बाइक को, कागज वागज नंबर प्लेट वगैरह सब। ओ बेटे कल इसी पे जाना है हमें, 300-350 किलोमीटर। कैसी चलेगी? और जंगलों में भी जाएंगे यार, मज़ा आ जाएगा। काश ड्रोन शॉट ले पाता मैं, ड्रोन ठीक होता, मेरा ड्रोन ख़राब है आपको पता ही है। सॉरी आपको पता है कि वो इन व्लॉग से पहले मेरे सचपास की राइड आएगी और बहुत ही एक्सट्रीम राइड है, देख सकते हो आप। ये नमक है हाँ नमक का ढेर है। लो भाई कितने किलो लेना है बता दो जल्दी से, ऑर्डर कर दो ना, मैं बता दो लेके आता हूँ फिर इस पे आ जाएगा। रोजी पोर्ट। लो भाई फर्स्ट टाइम आपका लाडला पहुँचा है, तो कहाँ पहुँचा है देखो, मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है ये वाला। यार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, ये किसी टाइम शिप होता था और अब मलबा है। कुछ बड़ा सा ये क्या बैठा है, ये किश्तियाँ, ये मेरी किश्ती थी, मैंने कभी रेंट पे दी थी, कोई तरुण जैसा भाई ने खिंडा दी मेरी किश्ती, कोई बात नहीं सॉरी किश्ती। और वो बीच में 2 चल रही हैं, एक उधर गई है, एक उससे आगे भी है। सो यार हमेशा सुनता था कि समुंदर किनारे बहुत प्यारी हवा चलती है, सच में यार बहुत प्यारी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। मन कर रहा है मतलब यहीं बैठ जाऊं, बैठूंगा
लेकिन आप टाइम लैप्स देख लो, मैं व्यू एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल लाल। तो भाई काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे बैठ के। टाइम लैप्स ठीक है, अच्छा है। और कल इसी पे हमें लॉन्ग राइड पे निकलना है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग राइड, मतलब इस बाइक को देखते हुए काफ़ी लंबी होने वाला है, क्योंकि ये ज़्यादा भागेगी नहीं और भगाएंगे भी नहीं। तो देखते हैं अब कल का सफ़र कैसा रहता है। और अब चलते हैं घर, और एक दो काम है वो भी करने हैं, दिखाऊंगा क्या काम करने हैं घर पे। चलो बाय बाय समुंदर, मिलते हैं फिर कभी, फिर कभी नहीं कल भी मिलेंगे। भाई साहब समुद्र की तरफ तो ज्यादा डार्कनेस है तरुण? देख पानी चढ़ना शुरू हो गया इसका, धीरे-धीरे छोटा भाई पूरा आ गया पानी। हां पहले उड़ा था शायद। डार्कनेस बहुत ज्यादा है यार। चलो भाई भाई घर पे मिलते हैं। देख मेरे हाथ में क्या है, क्या कर रहा है तू? भाई मम्मी के लिए एक फोन ऑर्डर कर रहा हूं। फोन अभी क्यों भाई? अभी तो थोड़े दिन पहले तो फोन दिया था तूने। भाई वो मम्मी को जो फ़ोन दिया ना मैंने, वो हैंग होता है यार, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी को नया फ़ोन दिया, मतलब मम्मी ने इतने फ़ोन दिलाए यार, मैंने इतने तोड़े यार, और एक फ़ोन दिलाया वो भी हैंग। मैं नुकसान खा लूँगा, उसको बेच देंगे तोड़ देंगे, लेकिन नया फ़ोन देना है भाई बिना हैंग होने वाला। मम्मी खेलती है, गोलियाँ फोड़ती है, वीडियो देखती है, हैंग नहीं होना चाहिए। नया फ़ोन बुक कराया है वो भी तेरे कहने पर। कौन सा फ़ोन है वैसे? LG V30। अच्छा मेरे मेरे वाला करवाया है ये वाला। अच्छा सुंदर है, हैंग नहीं होएगा, मज़ा आ जाएगा। बस मम्मी को मज़ा आना चाहिए यार, इतना खर्चा करा घर वालों ने, हम थोड़ा सा नहीं कर सकते। चल बढ़िया है, मौसी तो खुश हो जाएगी फिर कल। और अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, बाइक पे जा रहे हैं, एडवेंचर है उसके अंदर, थ्रिल है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। फ़ोन दिल्ली आ चुका है, इस हार पहुँचना बाकी है, परसों पहुँचेगा। बाय। अंधेरा कायम रहे। और इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना भाई, राइड विद बीस्ट मिल जाएगा। अभी दोबारा शुरू किए तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, चलता रहेगा। ओके okay?